This is Hawhawa Falls, the hidden and unexplored waterfall in Meghalaya, Garo Hills. But this story is not about the Hawhawa Falls. This story is about us, me and my friend. तो चलो देखते हैं आगे मेरे और मेरे दोस्त के साथ क्या होता है एक अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल में। हेलो गाइस, तो मैं अभी हूँ चमागुरी विलेज में। ये विलेज आपका गरोबाड़ा एरिया में पड़ता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक अनएक्सप्लोर वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। वाटरफॉल का नाम है हावहावा फॉल और उस वाटरफॉल के बारे में आपको गूगल मैप पे भी और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये जगह अभी भी अनएक्सप्लोर है। तो लेकिन आप जब यहाँ पर आओगे तब आपको वो वाटरफॉल देखने को मिलेगा और आज हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला, लगभग एक महीना तो हो ही गया होगा। मैंने इतना दिनों से नहीं कोई ब्लॉग बनाया ना कोई वीडियो डाला। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इस वीडियो में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल में। बस पहुंच ही गए सोचो। देख रहे हो चारों तरफ मतलब हरियाली ही हरियाली और पहाड़ ही पहाड़। बहुत अच्छा लग रहा है, माइंड के माइंड फ्रेश लग रहा है। मतलब चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और हरियाली। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो ना तो यहाँ पे जगह जगह आपको ऐसे छोटा छोटा घर देखने को मिलेगा। और ये घर बेसिकली मतलब ये जो घर होता है वो यहाँ का जो लोकल ट्राइब होता है गारो ट्राइब, वो लोग बनाता है। यहाँ पे अपना जो बागान है या फिर गार्डन है उसको मतलब देखभाल करने के लिए वो लोग यहाँ पे काम करता है और ऐसे घर बना के वो लोग वहीं पर रेस्ट करता है। तो हम लोग जाके देखेगा उधर में थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर आपको बहुत सारा टिलनट का ट्री देखने को मिलेगा और बनाना ट्री। देख रहे हो पहाड़, मतलब चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और ये जो पानी दिखाई दे रहा है ये सब उसी वाटरफॉल से आ रहा है। वो रहा वाटरफॉल, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं अभी। और ये जो पाइप है वो मतलब लोकल लोगों ने, ये जो पाइप है इसे लोकल लोगों ने लगाया है नहाने के लिए। वो लोग यहाँ पे नहाने के लिए यूज़ करते हैं इसे। कैसा लग रहा है पहुँच के यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलो तो और आगे दिखते हैं, आगे जाएंगे चलो। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक बात का ध्यान रखना, आप तो मतलब शू पहन के आओगे लेकिन साथ में अपना चप्पल भी लेके आना, स्लीपर्स भी लेके आना क्योंकि आपके शू भीग सकता है क्योंकि कुछ जगह में आपको पानी से चलना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे आते हो तो चप्पल भी साथ लेके आओ। क्या नज़ारा है भाई। पहुँच ही गया, फाइनली पहुँच गया हम लोग। तो ये जो रास्ता है हम लोग को यहीं से जाना पड़ेगा अभी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ऐसा बहुत सारा पानी है आपको पानी से चलना पड़ेगा। तो जो मैंने पहले बोला उसका याद रखना, स्लीपर्स ले आना अपने साथ। मैंने भी लेके आया था। तो हम लोग पहुँच गए। देख सकते हो, मतलब संभाल के चलना। हाँ, अगर इधर पे आते हैं तो संभाल के चलना, वरना ये जो पत्थर है ना, ये बहुत सारे पत्थर, आप गिर सकते हो कहीं भी, तो संभाल के आओ यहाँ पे आने से। ओह भाई साहब, मेरे आगे क्या नज़ारा है मैं बता नहीं सकता, आप लोग खुद ही देख लो। तो मैं अभी बताता हूँ कि मेरा जो इतना दिनों से वीडियो ना डालने का जो कारण है वो क्या है। जो मैंने इतना दिन वीडियो नहीं डाला क्योंकि मेरा एग्ज़ाम्स चल रहा था, तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया, कोई ब्लॉग नहीं बना पाया। हाँ, मुझे ब्लॉग बनाने का मन बहुत था, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। और आज बना रहा हूँ कि अभी भी हमारा 2 एग्ज़ाम बाकी है, लेकिन फिर भी आज बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हम लोग 3 दिन गैप मिला है, तो इसलिए एक दिन शूट कर रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो मैं कब डालूँगा ये तो मुझे नहीं पता। हमारा एग्ज़ाम 18 मार्च को ख़त्म होगा, तो देखते हैं क्या होता है। उससे पहले डालता हूँ कि उसके बाद में, लेकिन ये ब्लॉग ज़रूर आएगा, आप लोग देखना, एंजॉय करना। और अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ तक आने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आप मेघालय के गारो हिल्स में आते हो तो आप गरोबाधा में आओ पहले, उसके बाद गरोबाधा में आपको बहुत सारे टेम्पो मिलेगा, उससे आप लोग पूछो कि अंधरकोना जाएगा क्या। लेकिन ये बात याद रखना कि आपको सिर्फ 20 रुपीज़ देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप उसे रिजर्व करते हो तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना चार्ज करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे आते हो तो 20 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं देना। ये एरिया अंधरकोना है, उसके बाद चमागुरी नाम का एक विलेज है, तो हम लोग उसी जगह है, और ये जो वाटरफॉल है वो उसी विलेज के अंदर है। तो आप पहले गरोबाधा आओ, उसके बाद गरोबाधा से टेम्पो पकड़ के अंधरकोना चमागुरी आओ। उसके बाद आपको यहाँ तक आने के लिए आपको आधा किलोमीटर जितना चल के आना पड़ेगा, यहाँ तक गाड़ी नहीं आ सकता। इस वाटरफॉल तक आने के लिए कोई भी रोड नहीं बनाया है, तो यहाँ तक आने के लिए आपको चल के आना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप नहा भी सकते हो। और हाँ, वहाँ पर नीचे मैंने आपको दिखाया है कि वहाँ पर पाइप था, वहाँ पर लोकल लोग नहाते हैं। और हाँ, हम लोग यहाँ पर तो आए थे घूमने के मकसद पर, लेकिन आसिफ भाई ने बोला यहाँ पे मछली भी मिलता है, और वो अभी मछली पकड़ रहा है। उधर में दिखा दे रहा है, हाँ, वो आसिफ भाई अभी मछली पकड़ रहा है। तो हम लोग का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आके मछली पकड़े, लेकिन आसिफ भाई ने बोला तो चल मछली पकड़ते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने पकड़ा। कुछ लोग को बाद में दिखाएगा कि हम लोग को कितना मछली मिला है। और हाँ, ये जो हमारा आसिफ भाई है ना, ये बहुत अच्छा गाना गाता है। कुछ गा के सुनाओगे क्या? आज तो मैं गा नहीं सकता। क्यों? मेरे गला पे कुछ खास है। ये सब चलता रहता है, नहीं गा सकता, इसलिए नहीं गा सकता। आज मैं नहीं गाऊंगा, आज नहीं गाएगा। थोड़ा कुछ गा देता तो अच्छा लगता, एक दो लाइन। अरे यार, किस गाना को गाऊं? आपका मर्जी है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो गा के सुना कोई भी। मुझे कैसे पता न चला, ये होगा एक ही लाइन बोल दिया। वैसे ये गाना अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। वाटरफॉल के पास जाके मेरा पूरा कपड़ा भीग गया, देखो पूरा भीग गया, उधर घुटने तक भीग गया। मैंने बोला था ना आसिफ भाई बहुत मस्त गाना गाता है, वो अभी गाना गा रहे हैं मछली पकड़ पकड़ के, मछली पकड़ते हुए गाना गा रहे हैं। अब देख तेरे वक्त पे, तेरी रूह पे, तेरे किस्म पे, बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा। यार मैं ये ब्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं आपसे रेगुलर ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगा, मतलब कोशिश करूँगा, क्या होता है वो आगे देखते हैं। अगर आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं अपना कंटेंट और बहुत ज़्यादा सुधारूंगा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाऊंगा अपने कंटेंट पे। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बहुत सारे अनएक्सप्लोर जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं आगे। उन सारे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना बनता है यार। तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, बाय। केकड़ा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केकड़ा और मछली इतना सारा। वाह वाह आसिफ भाई वाह, क्या क्या पकड़ा है, क्या पकड़ा है इतना सारा मछली।